एक्चुअली नो आई हैव ऑलवेज फॉलोड अमित अग्रवाल का काम, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत ही प्रिय डिज़ाइनर हैं एंड बट आई थिंक ये उनका काफ़ी हटके कलेक्शन था, क्योंकि इनफैक्ट जब मैंने एंटर भी किया आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ द शो, बट आई सॉ सम अमेजिंग बनारसी वर्क ऑन एंड विथ इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक. इट्स समथिंग दैट वन आप सुबह भी पहन सकते हैं, रात में भी पहन सकते हैं, ड्रेसी है, बट इट्स जस्ट दैट राइट अमाउंट ऑफ ड्रेसी वेयर, इट डजंट गो ओवर बोर्ड एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस टू स्ट्राइक व्हेन यू यूज मटेरियल्स लाइक दिस. उनका जो स्टाइलिंग था पूरा शो का मुझे बहुत पसंद आया एंड द मेकअप इज समथिंग आई हैव टू से. दे हैड शिमर यू नो वायर्स रनिंग ऑन देयर आईब्राउज व्हिच आई थॉट इज एन अमेजिंग ब्यूटी ट्रेंड एंड इट लुक्स स्टनिंग ऑन द रैंप. ये बखूबी इन्होंने मेरे लिए बनाया है, एक ब्लैक ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत है. इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल ड्रेस बट हैज़ दिस लिटिल डिटेल ऑफ कलर डाउन मैचेस माय नेल्स. या आई मीन इट्स द परफेक्ट ड्रेस फॉर एन इवनिंग एंड सिंपल है बट बहुत ही इट्स लाइक एन इफेक्टिव ड्रेस. I think, you know, summer mein we live in, I mean, I live in Mumbai, so I'm sweating all the time. So I think the fabrics that you wear really matter. Like, agar aap cotton ya zyada Indian fabrics use kare, you're likelier to feel comfortable in it. But, if you have to really, really look smashing, then go for that, you know, that dress that you want to wear. It's perfect. Aur koi tips agar dena chahenge? Main aur koi tips? Just, I think, for me, I really enjoy fashion right now. It's a part of my waking up and sleeping, so it's like something that I live with now. So yeah, I'm really enjoying Lakme Fashion Week and I'm trying to come and attend the shows because I personally enjoy fashion a lot. I like to watch the shows. Okay, all the upcoming projects agar aap share karna chahiye. Yes, Bahubali Part 2 is coming out in April. Bahut utsahit hu is film ke bare mein kyunki you know, the first part has already garnered so much of interest and so much of love ki main bahut main dekhne ko utsahit hu ki audience kaise react karne wali hai. थैंक यू. अमित बहुत ही इनक्रेडिबल आर्टिस्ट है. नॉर्थ ईस्ट इन्फ्लुएंस काफ़ी था शो में एंड मैंने तो दो टोटल आउटफिट्स पिकअप कर लिए जो मैं पहनना चाहूँगी स्टेज पर. अमित इज़ ऑलवेज फैंटास्टिक. मैंने उन्हीं के नए कलेक्शन से पहना है कुछ. आई थिंक मैं अमित से बात करना चाहूँगी इंस्पिरेशन के बारे में, बट आई थिंक ओवरऑल उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया से काफ़ी इंस्पिरेशन लिया है. ओवर यू नो ही इज़ गॉट दिस ये फैब्रिक्स और जिस तरीके से फैब्रिक्स फॉल हो रहे हैं, अ लॉट ऑफ द ट्रेडिशनल नॉर्थ ईस्ट आउटफिट्स आर लाइक दिस. आई बिन वेयरिंग अमित अग्रवाल फॉर थ्री ईयर्स ऑलमोस्ट थैंक्स टू टीना. इट वॉज अ ग्रेट शो. सबको समझ में आया या नहीं मुझे पता नहीं, बट आई थॉट इट वाज अ ग्रेट शो. मैं दिल से चाहूँगी कि मैं इतना वर्कआउट आई पुट इन दैट मेनी वर्कआउट आवर्स बाय देन दैट आई कैन वेयर यू नो स्लीवलेस थिंग्स एंड गंजीज एंड जीन्स. आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर समर इन इंडिया जिनके पास फिगर्स हैं इस शॉर्ट्स एंड गंजीज, जितने भी रंगों में आप खरीद सकें खरीद लीजिए. बट फॉर पीपल हु डोंट हैव द परफेक्ट फिगर लाइक मी, आई थिंक समर इज ऑल अबाउट लेबल्स लाइक चोला. वो बहुत लूज फंकी थिंग्स बनाती हैं. विम बाई पूर्वी. आई थिंक दिस समर फॉर मी वुड बी फ्लोरेसेंट ग्रीन्स एंड फ्लोरेसेंट येलोज एंड लूज ईजी फैब्रिक्स. यू नो फैशन वाइज आई थिंक आप लोगों की वजह से, आई थिंक बिकॉज ऑफ द प्रेस, बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बहुत लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट एनीबडी गिविंग देम टिप्स एनीमोर. कुछ शोज़ हैं जहाँ पे आई सी यंग 19-20 ईयर ओल्ड गर्ल्स हु कैन टीच मी अ थिंग और टू अबाउट फैशन. बट आई थिंक ओवरऑल आई वुड जस्ट से कि डोंट फॉलो अ ट्रेंड. Make your own trend, create your own style statement, pick from all the different things that you have and create a look for yourself. Thank you. Bye. How was the show? Kaisa laga show? Uske bare mein batao. Mere khayal se Amit Agarwal ji jo unka label hai, it's full of drama. It's got a lot of personality and I'm a live performer. Main to stage pe jaati hu har do din aur mujhe personality se bahut pyar hai. And I love the drama of the clothes. I love the fact that they were graphic, they had a lot of color, they had a lot of cultural reference. Aur music jo tha show mein wo aur bhi dilchaspi, it just blew me away kyunki wahan pe south indian kanakol bol bhi the aur western beats bhi the. I thought it was a beautiful fusion just like the clothes. I think Amit Agarwal hamesha chances lete hain और बहुत ही ड्रामेटिक क्लोज बनाते हैं जो मेरे ख्याल से जैसे
मेरा वैसे बहुत फ्लैम्बॉयंट पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हर चीज़ में, एंड आई लाइक टू ड्रेस फ्लैम्बॉयंटली, आई लाइक टू हैव अ स्ट्रॉन्ग वॉइस इन वॉट एवर आई डू, इवन इन द क्लोथ्स दैट आई लाइक टू वेयर. तो आई हैव ऑलवेज लव्ड द लेबल. और टिप्स देना चाहेंगे दर्शकों को, कुछ कहना चाहेंगे समर के लिए? हाँ जी, समर के लिए. समर आने वाला है, समर तो इंडिया में पूरे साल में रहता है, विंटर शायद दिल्ली या आगरा या बहुत ही कम जगह में आता है. मुंबई में हैं हम लोग और यहाँ पे हमेशा समर ही रहता है 12 मंथ्स. कॉटन इज़ माई फेवरेट, सूती पहनना मुझे बहुत पसंद है. और लोगों को लगता है कि कॉटन कैन नॉट बी ग्लैमरस इनफ, बट वेर आई थिंक आई एम वेयरिंग अ नेचुरल वीव एंड इट्स ग्लैमरस इनफ. और इनका जो कलेक्शन है, मैंने सुना है कि जो पटोला वीव है और मेरे दिल से बहुत करीब है ये इंडियन वीव्स. एंड समर में ऐसे कपड़े पहनो कि सांस ना रुक जाए, तो दैट्स बैड फॉर हेल्थ. सो ईट वेल, एक्सरसाइज, बी फिट. मैं एक अपना फिल्म शूट कर रही हूँ अभी, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. आई एम प्रोड्यूसिंग माई ऑन फिल्म. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हैविंग फन, एंड मोस्टली इट्स सेंटर्ड अराउंड म्यूजिक. Well, it's a beautiful Amit Agarwal gown, as many people can assume, with a beautiful slit. So it's absolutely stunning, and I love it. Okay, how was the show? कैसा लगा आपको? Oh, it was stunning. Every single piece was absolutely beautiful. The colors, the fact that you know it's made from recycled things, it just blew my mind. That is my summer tip. Everything is just workable for spring, summer, autumn, winter, definitely. Oh, so both Hollywood and British films. So that's all I can say for now. But yeah, you're going to be seeing a lot more of me this year.